साहेबगंज के बड़ा मदनशाही गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के तीन लोगों के शव ईंट भट्टे पर पड़े मिले। तीनों की इस तरह की गई निर्मम हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश है, वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक ही परिवार के तीन लोगों की निर्गमन तरह से हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मामला जिरवावाड़ी थाने के बड़ी मदनशाही का है। वहीं परिजन व आसपास के लोगों ने बताया कि जिरवावाड़ी थाना अंतर्गत बड़ा मदनशाही निवासी कजरुद्दीन अंसारी के दो पुत्र अलीशेर अंसारी और गुलशेर अंसारी सहित उनकी पत्नी शकीला खातून बीती रात आधी तूफान के साथ आई बारिश को देख अपनी ईंट के भट्टे को त्रिपाल से ढकने गई हुई थी और सुबह तक वापस नहीं लौटी। वहीं जब परिवार के लोग ने महिला को देखने गए तो ईंट भट्टे पर ही तीनों के शव पड़े हुए मिले। इसके बाद तीनों की मौत की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। मिली कि मदनशाही ईंट भट्टा में तीन व्यक्ति जो कि दो पुत्र और एक माता थी, वो ईंट बनाने कार्य कर किया करते थे। वो रात में जब आंधी तूफान चल रहा तो उस वक्त अपने घर से अपने जो बनाए हुए ईंट को ढकने के लिए आई थी। सुबह अगले सुबह तक वो जब अपने घर नहीं पहुँची और तब यहाँ जब मजदूर लोग काम करने आए तो उन्होंने देखा कि वो तीनों मृत अवस्था में थे, जिसकी सूचना उनके द्वारा थाना को दी गई। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं, आज की कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी हुआ। हम बड़े मदनशाही पंचायत से उप मुखिया हुए एवं ग्राम प्रधान हैं। हम लोग को सुबह शेरी 4 बज के लमसम में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ के निकले तो पता चला कि इधर आदमी लोग आया कुछ काम से। वो लोग जानकारी दिया कि लोग जो है यहाँ पर मृत तो हो गया है, तो हम लोग आए वहाँ से देखें। देखने के बाद ये लोग को देखें तो देखें, ये तो हम लोग इसको जो है ना ग्रामीण द्वारा इसको थोड़ा सा ठीक किया गया। ये लोग मतलब एक दूसरे पर चढ़ा हुआ था, मार मार के एक दूसरे को चढ़ा हुआ, और ये लोग को तीनों को लग रहा है कि नरेटी दाब के मारा गया है। और उधर का मांझी कुछ वो लोग बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग जब आए तो वो बता रहे थे कि हम लोग से भी रंगदारी मांग रहा था, बदमाश आया था और हम लोग को भी मारपीट किया। ये क्या घटना हुआ था ये बताइए। घटना तो ये है सर कि रात में जो है से ईटा छपाने के लिए आया ये लोग को, साथ में जो है से ऐसा घटना हुआ और घर को परिवार लोग जो है से वो लोग नहीं जाना कि ये लोग गया तो क्या हो रहा उन लोग के साथ में। सवेर जब हुआ तब यहाँ आदमी जब पहुँचा तो देखा कि ऐसा ऐसा घटना हुआ। हमारा बहनी है वो ईटा भट्टा मांग दिया, रह के चल गया घर। घर जाने के बाद में 1 बजे पानी पड़ा तो बोला कि जाते हैं वहाँ, पानी नहीं होता पन्नी गुन्नी झाड़ देंगे। और सब यहाँ ईटा बनाता था तो बोलता था कि गोली छूटा, तो हमारा वो सब तो सब आदमी सब बोला कि वो सब भाग गया, ये नहीं भागा। अब हमारा बहन सब नरिदा के जान मार दिया कि बोलेंगे। घटना के बाद उग्र हुए ग्रामीणों ने तीनों के शव को NH-80 मुख्य सड़क पर रखकर रोड जाम कर दिया। वहीं घटना की खबर मिलते ही इंस्पेक्टर शशि भूषण चौधरी जिरवावाड़ी ओपी पुलिस के थाना प्रभारी सुनील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाकर मामले की छानबीन में जुट गए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज झारखंड से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।